वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों अभी सुबह के बज रहे 5 और मैं सुबह जल्दी उठ गया हूँ और वॉकिंग करके आ गया। आज नॉर्मल एक्सरसाइज ब्लॉग होने वाली है। दोस्तों मैंने अपने लाइफ में स्पोर्ट्स खेला है तो मुझे एक्सरसाइज करना बहुत पसंद है और मैंने एक्सरसाइज बहुत किया भी है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप छोटी मोटी एक्सरसाइज करके भी अपने आप को फ्री रख सकते हैं। चलिए एक्सरसाइज करते हैं। और मैं सुबह वॉकिंग करके आ गया, लेकिन दोस्तों आपका भाई बहुत मेहनत कर रहा है, प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों क्या जाता है आपका, आपका एक छोटा सा सपोर्ट मुझे कितना मोटिवेशन देता है आप समझ ही सकते हैं। तो दोस्तों मैं सुबह सुबह दौड़कर आ गया था, लेकिन बॉडी ठंडी हो चुकी है, ठंड बहुत है। अब मैं एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ी अपनी बॉडी वार्म अप कर लेता हूँ, क्योंकि आपको मैं बता दूँ बॉडी वार्म अप बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज करने से पहले, क्योंकि आप बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसी करते हैं जहाँ पर आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेच होती है, वहाँ पर आपके पैरों में हाथों में स्ट्रेच आ सकता है, दर्द हो सकता है, इसलिए बॉडी को गर्म करना ज़रूरी है, जिसके लिए मैं थोड़ी सी उछल कूद कर रहा हूँ। इन द सेंस कह सकते हैं कि इसको हम बॉडी वार्म अप कहते हैं। और इस बॉडी वार्म अप करने के बाद आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप किसी भी जॉइंट्स की एक्सरसाइज कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपने कमर को रोटेट कर सकते हैं, आप अपने कुल्हे को रोटेट कर सकते हैं, आप अपने घुटने को रोटेट कर सकते हैं, आप अपने फिस्ट को रोटेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब अभी मैं नॉर्मल बॉडी वार्म अप एक्सरसाइज कर रहा हूँ, आगे भी ऐसी एक्सरसाइज करूँगा, लेकिन इन सारी एक्सरसाइज का क्या यूज़ है, क्या आपको फ़ायदा मिलता है वो मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए इन्जॉय कीजिए वीडियो को। तो दोस्तों ये जंपिंग एक्सरसाइज है जहाँ पे मैं जंप कर रहा हूँ और अपने पैर को फ्री कर रहा हूँ। इसके बाद मैं नॉर्मल अपना सावधान विश्राम की मुद्रा में आ गया हूँ। इसके बाद मैं नेक एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया हूँ। दोस्तों नेक एक्सरसाइज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी पूरी बॉडी का कंट्रोल स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होता है, और स्पाइनल कॉर्ड गर्दन में होते हुए गर्दन के थ्रू आपकी पूरी बॉडी में रीढ़ की हड्डी से गई होती है। तो जहाँ पर आपकी स्पाइनल कॉर्ड को फ्री करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी पूरी बॉडी की मोमेंटम फ्री हो और लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, अप डाउन, ये सारी एक्सरसाइज गर्दन की करने के बाद मैं हैंड की एक्सरसाइज शुरू कर दिया हूँ। इसमें आप अपने हाथों को, आप अपने हाथों के जॉइंट्स को फ्री कर सकते हो, और ज़रूरी है क्योंकि हाथों का काम बहुत होता है और हाथों में दर्द ना हो, जिसके लिए हम हाथ की यानी हैंड एक्सरसाइज करते हैं, अप डाउन 360 रोटेशन, लेफ्ट राइट, जहाँ पर देख सकते हो दोस्तों कि कोहनी भी मुड़ रही है, और कोहनी इसलिए मुड़ रही है क्योंकि आप अपने हैंड को फ्री रख रहे हो, आप हैंड को टाइट नहीं रखोगे, अगर हैंड को टाइट रखोगे तो हैंड में दर्द हो जाएगा। इसके बाद एक दो बार फ्री करना ज़रूरी है, जिसमें मैं साइड से डाउन हो रहा हूँ, जिसको बोलते हैं साइड डाउन, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड डाउन होना, जिससे कि आपके जो अपोजिट पैर हैं उनकी जो वेन्स हैं, नसें हैं, वो फ्री हो जाती हैं, और इससे आप फिर अपने कमर की थोड़ी ज़्यादा जोर खरोश वाली भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैं ये आप देख सकते हैं ये एक्सरसाइज आर्मी एक्सरसाइज, मैं इसका नॉर्मली नाम आर्मी एक्सरसाइज दिया हूँ क्योंकि आर्मी में इसी तरीके से जंपिंग करवाई जाती है, जिससे कि बॉडी गर्म हो, थोड़ी और गर्म हो, ताकि एक्सरसाइज करने में मज़ा आए, और जंप करके दोनों हाथों से टच करने पड़ते हैं घुटने को, इसको कहते हैं हॉर्स स्टांस। मैं हॉर्स की तरह बैठ गया हूँ, दोनों अपने पैरों को बिल्कुल पैरों के सहारे, बिल्कुल समझ लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेरी बिल्कुल डाउन है, और मैंने अपने कमर फोड़ लिए हैं, फिर मैं अपोजिट बैठ गया हूँ, इससे कमर थोड़ी सीधी करते हैं, और कमर सीधी करने के बाद अपने चेस्ट से होते हुए अपनी पूरी बॉडी के एक एक कोने को फोड़ना। और ये दोस्तों कूल्हे की एक्सरसाइज है, जिसमें कि कमर के बाद नीचे आप कूल्हे को जानते हैं, कूल्हे को फ्री करना ज़रूरी होता है, तो मैं अल्टरनेट, जिसको बोलते हैं क्रॉस, मैं क्रॉस लेग अप डाउन कर रहा हूँ, जिसके वजह से मैं थोड़ा अपने बॉडी को फ्री कर पा रहा हूँ। दोस्तों इसको बोलते हैं स्ट्रेट डाउन एक्सरसाइज, जिससे आपके कमर की नस फ्री होती है और आपके पीछे जांघों की भी नसें फ्री होती हैं। ये कम से कम 10 से 20 बार करनी चाहिए, इससे आपके पूरी ऊपर बॉडी से ब्लड का सर्कुलेशन, इट हेल्प्स टू फ्री वेस्ट एंड बैलेंस बॉडी टू लूज फैट एंड मेक्स इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग, जिससे कि आपके फैट जो पेट की चर्बी है वो भी गलती है, और आपके और खाना भी पचता है।
दोस्तों इस एक्सरसाइज का नाम है लेग एक्सरसाइज। इट्स मेक्स योर लेग स्ट्रॉन्ग एंड विल फ्री फ्रॉम वेन्स प्रॉब्लम। इस एक्सरसाइज को करने से दोस्तों आपके घुटने फ्री रहते हैं और साथ ही साथ आपके पंजे भी फ्री रहते हैं। अगर आप एक मार्शल आर्ट प्लेयर हैं, आप किसी भी टाइप का मार्शल आर्ट करते हैं या कोई भी आप डांस करते हैं, तो उसमें ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब दोस्तों ये फ्रंट स्ट्रेचिंग, इसको मैं स्ट्रेचिंग एंड फिट एक्सरसाइज का नाम दिया हूँ। इससे क्या होता है दोस्तों कि आपके जो लेग हैं वो आपके स्ट्रेच होते हैं और ये आपका स्ट्रेचिंग करने में हेल्प करता है, जिससे कि आप कोई भी डांस या कोई भी मूवमेंट जो होती है जो थोड़ी सी डेंजरस होती है उसको आप इजीली कर सकते हो। ये दोस्तों इस एक्सरसाइज को क्रॉस पीटी एक्सरसाइज कहते हैं, जिसमें आपको अल्टरनेट पैर को टच करना पड़ता है अल्टरनेट हैंड से और आपको आसमान की तरफ देखना पड़ता है। इससे दोस्तों की सारे बॉडी की मोमेंटम होती है इस एक्सरसाइज को करने से। अब दोस्तों आप देख लो, इस एक्सरसाइज को कहते हैं रिलैक्स पोजीशन, जिसमें कि आप मेरे हाथ को देख सकते हो बिल्कुल रिलैक्स और दोनों पैर बिल्कुल नॉर्मल स्लो जंप कर रहा हूँ मैं और इससे पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। दोस्तों आप पीछे बैकग्राउंड नॉइज सुन रहे होंगे, बहुत ज़्यादा पीछे वाइब्रेशन की आवाज़ आ रही होगी। यहाँ पे ऊपर से फ्लाइटें जाती हैं तभी ये आवाज़ आती है, क्योंकि यहाँ पे बगल में है पालम एयरपोर्ट, तो ये बीच बीच में आते रहेगी। इससे अगर आपको इरिटेशन हो रहा हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं छत पे बना रहा हूँ व्लॉग। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको बहुत सारी एक्सरसाइज बताई है और लास्ट में मैं आपको अपनी एक जंपिंग दिखाता हूँ। अभी दोस्तों फिर आपको एक बैकग्राउंड नॉइज आएगी क्योंकि फिर फ्लाइट एक उड़ रही है। तो पहले चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ अपना जंप, नॉर्मल जंप, जिसको आप एक्सरसाइज करने के बाद ही कीजिएगा, नहीं तो स्ट्रेच आ सकता है, खिंचाव आ सकता है जांघों में और कमर में। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको अपनी एक्सरसाइज रूटीन के बारे में बताया, आई होप कि आपको बहुत मज़ा आया होगा और मैंने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बताई है। इसको आप नॉर्मल 10 से 15 मिनट निकाल के अपने डेली लाइफ में कीजिए, कहीं भी आपको कोई जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं लास्ट में आपको एक पेट पीटी एक्सरसाइज करके बताऊँगा। दोस्तों अभी ये फ़र्श काफ़ी गंदा है, अच्छा तो दोस्तों वो मैं कभी आपको बता दूंगा। उसको लेट कर किया जाता है, जिससे क्या होता है कि पेट में ज़्यादा फैट चर्बी होती है, तो वो गलती है, क्योंकि वो मेन स्पेशली पेट पीटी इसी चीज़ के लिए होती है कि आपके पेट में जितने भी फैट जम रहे हैं उनको जमने ना दे। तो चलिए, अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।